नमो हरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसापुरम् एषु पञ्च नमुकारो सर्वपापणासनो मङ्गलानं च सर्वेऽस्मिन् परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धो जय जगप्रियामहो भयो जय सुयाणभवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महापामहावीर कल्याण पाद पर मंत्र गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं देहं ज्ञात नंदनम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्ववाद की इस 143 कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हमारी पूर्व कक्षा में जो हमने देखा था उसमें हमारी कर्म संबंधी चर्चा चल रही थी और आत्मा में हमने क्या देखा कि अनंत गुण है। 85 द्रव्य में से आकाश के कितने गुण बताए थे? एक गुण। धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है, इनके कितने कितने गुण थे? एक एक ही गुण थे। लेकिन आत्मा के कितने गुण है? अनंत। उस अनंत गुण में भी वह जो जब तक यह जीव क्या करता है कर्म के साथ में बंधा हुआ है तब तक क्या है कि अपने गुण के अनुरूप कार्य नहीं करता है, और जिस समय कर्म से मुक्त हो जाता है तो वह क्या करता है अपने आत्मा के अनुरूप गुणों के अनुरूप ही कार्य करता है। और अनेक बातें हमने इसी संदर्भ में जानी थी। आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करना चाहूंगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नंबर एक, सबसे पहले हमको ये समझना है आत्मा है तो ही कर्म है, आत्मा नहीं है तो कर्म है ही नहीं। आत्मा प्रदेशों के साथ कार्मण वर्गना के प्रदेश बनेंगे तो ही कर्म बनेंगे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। कर्म बनेंगे तो आत्मा के ही गुणों को ढकेंगे, नहीं तो नहीं ढकेंगे। कर्म का कार्य क्षेत्र आत्मा के गुणों पर है, कर्मों का निवास क्षेत्र आत्मा के द्रव्य पर है। ये अब सब पहले बरोबर ध्यान रखिए। मेहता जी बोलिए। सर जी, पहले आपने बताया था कि कर्म है, आत्मा है तो ही कर्म है, आत्मा नहीं तो कर्म भी नहीं है। कर्म का कार्य क्षेत्र आत्मा के गुणों पर है, और कर्म का आत्मा कर्म जब कामण वगना जब आत्म प्रदेश से मिलेगी तभी वो कर्म होगी। तीसरा, कर्म का कार्य क्षेत्र आत्मा के गुणों पर है, और कर्म का बंधना आत्मा के प्रदेश के ऊपर है। और चौथा, जस गुरु गया सर जी, चौथा ही गया। चलो इतना तो बोला, तीन तो बोले आपने, धन्यवाद आपको। देखिए, आत्मा पर ये बात पहले समझनी है। अब जो दुनिया में कोई नहीं बता रहा है, हाँ जी, आपको ये समझना है, ये है यहाँ पर आत्मा, और ये है आत्मा के प्रदेश है। यही तो विशेषता है केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों की, और रूपी होते हुए भी आत्मा को असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य बताया है। सोचिए आप, कैसे बता दिया, क्यों बता दिया। अब ये है आत्मा, और ये जो बताए हैं ये आत्मा के असंख्य प्रदेश बताए हैं। और ये बाहर जो पुद्गल द्रव्य है
हाँ जी, इधर देखिए, ये पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य के अंदर ये जो है परमाणु है, परमाणु के विभाग के अंदर ये कार्मण विभाग कार्मण वर्गणा है। हाँ जी, पुद्गल द्रव्य कहने से क्या समझेंगे आप, परमाणु कहने से क्या समझेंगे आप, और कार्मण वर्गणा, वर्गणा क्या है, इन परमाणुओं में भी अलग अलग प्रकार के सैकड़ों परमाणु, इन परमाणुओं में पर्टिकुलर समान गुण धर्म वाले परमाणु इकट्ठे होकर ही कोई ग्रुप बनता है, उसका नाम वर्गणा है। अब उसको ग्रहण करने के लिए आत्मा के पास अपने मन वचन काया के योग चाहिए। ये आकर के आत्मा के प्रदेशों पर लगेंगे, ये प्रदेश पर चिपक गए ये कर्म बन गया, ये आकर के इस प्रदेश पर चिपक गए ये कर्म बन गया। ये देखिए, ये सफेद कपड़ा है, अगर मैं एक पेन ब्लैक कलर के लेकर के करता हूं तो इंक का स्पॉट कहाँ पड़ेगा। अब ये कपड़ा है, कपड़ा मतलब क्या है, वन थ्रेड इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर थ्रेड इज द वर्टिकल। अब ये दोनों प्रकार के थ्रेड जो है, तो ये दोनों प्रकार के थ्रेड बन करके यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होकर के दोनों सेट हो गए, तो इनका जो क्रॉस पॉइंट है वही मुझे पेन का निप पॉइंट जो है वो टच करना है। अब उसमें से जो इंक है वो एब्जॉर्ब हो करके इस पर आए कपड़े पर, कपड़ा एब्जॉर्ब करेगा, वो जो क्रॉस पॉइंट है वहां टच होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, तो जो इंक लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी वहां स्पॉट पड़ता जाएगा। कार्बन वर्गणा के प्रदेश, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेश के साथ बंधेंगे, एक रस होगा तो ही कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बोलिए विपुल जी। आत्मा के गुणों के साथ जब कर्म एक रस होंगे तभी कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बने। अब जैसे मैंने कहा आपको कि शक्कर दूध में घुलेगी तो ही दूध मीठा होगा, नमक दाल में घुलेगी तो ही दाल जो है खारी होगी। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ घुलकर एक रस होंगे तो ही कर्म बनेंगे, यही उसकी प्रक्रिया है, नहीं तो नहीं बनेंगे। बोलिए नीति बहन जी। कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ घुलकर जब एक रस होंगे तो ही कर्म बनेगा, अन्यथा नहीं। हाँ बोलिए विमल जी शाह, अपने हाथ उठाए, क्या है। हाँ जी, जैसे दूध में शक्कर मिलेगी तो ही दूध में मिठास आएगी, दाल में नमक घुलेगा तब ही दाल में खारश आएगी, वैसे ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु जब आत्मा के साथ घुलकर एक रस होंगे तब ही वह कर्म बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यही तो विशेषता है ना, ये कौन है, आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश। हाँ जी, आत्मा प्रदेश के साथ घुलकर एक रस होंगे तो ही कर्म बनेंगे। इधर देखिए, अब समझिए, वैदिकों ने, हिंदुओं ने, बौद्धों ने, बाइबल वालों ने, कुरान वालों ने, किसी ने कोई जो है ना तो आत्म प्रदेश की बात कर रहे हैं ना कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं। अब ना उनके पास कर्म बनने के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं है, और जिसको कर्म चिपक करके कार्बन वर्गणा लग करके कर्म बनेगा, आत्मा के प्रदेशों की बात नहीं कर रहे। जोड़िए जी, आप समझने की कोशिश करिए, पहले जो मेन फोकस कर रहा हूं दो पॉइंट है, कैसे कर्म शास्त्र को कैसे सिद्ध करना है, अग्निभूति के प्रश्न पर महावीर कैसे सिद्ध करके दे रहे हैं, पहले ये समझिए। इधर रॉ मटेरियल भी तैयार है, इधर उसका आधार बेस जो है वो भी तैयार है, महावीर दोनों को बता रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है मेहता जी, आप ध्यान दीजिए, अरूपी अदृश्य अमूर्त ऐसे आत्मा को बता करके भी प्रदेशों की संख्या सचोट बताकर असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य कहना, ये कितनी बड़ी बात हो गई। जिसको हम अदृश्य कहते हैं, अरूपी कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, हमारे लिए नहीं है, महावीर स्वामी के लिए भी आत्मा अरूपी अदृश्य है। अब ये मत सोचना कि हमको नहीं दिख रही है,
महावीर स्वामी को भी आत्मा आंखों से नहीं दिखाई दी, महावीर स्वामी को भी नहीं, आदिनाथ भगवान को नहीं, किसी तीर्थंकर को आत्मा कोई आंखों से दिखाई नहीं देती है भाई साहब। अरे ये समझ लो, महावीर स्वामी ने अनंत दर्शन केवल दर्शन से ही अदृश्य अरूपी आत्मा का स्वरूप जानकर प्रदेशों की संख्या बताई। मैं आपको ये पूछता हूं कि महावीर ने संख्या संख्या तो नहीं कही, अनंत नहीं कही, असंख्य ही क्यों कही साहब? अरे बात समझ में आपको, एक तरफ हम उनको महावीर को केवल ज्ञानी केवल दर्शनी कहते हैं और वितरागी कहते हैं, उनको असत्य बोलना नहीं है, वो संख्यात ही कहेंगे तो असत्य हो जाएगा, वो अनंत बोल देंगे तो आकाश की तरह से आत्मा के प्रदेश अनंत हो जाएंगे। तो दोनों तरफ दोनों शब्द महावीर नहीं बोल रहे हैं बरोबर, महावीर सिर्फ असंख्य ही प्रदेश बोल रहे हैं। अच्छा क्यों बता रहे हैं महावीर प्रदेशों की संख्या असंख्य? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ ही घुलकर एक रस बनने वाले, ये कपड़ा एब्जॉर्ब करेगा इंक, तब इसी पर लगेगी, आधार कपड़ा ही बना ना। तो दुनिया के अंदर दूसरे कोई भी जो है आत्मा के असंख्य प्रदेश तो स्वीकार ही नहीं रहे। थोड़ा और ध्यान से समझना साहब, मैं बता रहा हूं, आत्मा के प्रदेश असंख्य है लेकिन एक ही प्रदेश पर अनंत कार्बन वर्गणा के परमाणु चिपक करके कर्म बन रहे हैं। अब ये संख्या के साथ बोलना है, अंशाबेद बोलिए। आत्मा के असंख्य प्रदेश है लेकिन एक ही प्रदेश पर, आत्मा का एक ही प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु कार्बन वर्गणा के आकर चिपक सकते हैं। हाँ ये विशेषता है, आपने एक लीटर दूध लिया है, एक चम्मच शक्कर डाली है, एक चम्मच शक्कर घोलने से दूध के अनंत परमाणु मीठे हो गए कि एक परम प्रदेश जो है दूध का मीठा हुआ है? पहले समझ में आ रही है मैं बात पूछ रहा हूँ वो, पहले बोलिए नरेंद्र जी क्या हुआ? एक लीटर दूध में हम एक एक सुई के नोक से एक एक ड्रॉप अनंत बनाए तो कितने ड्रॉप बनेंगे? अनंत बने। एक लीटर है भाई साहब, अनंत नहीं बनेंगे। एक लीटर दूध के हम सुई के जस्ट टिप ऑफ द नीडल अब हम अलग अलग बना लें साहब, असंख्य बनेंगे। तो सब इकट्ठे हैं और एक ही चम्मच आपने शक्कर डाली तो एक चम्मच शक्कर के अंदर क्रिस्टल जो उसके कण कण है वो 1000 है, 1000 कण जाकर के दूध एक लीटर दूध के संख्यात बूंद को मीठा कर सकता है, इतनी कैपेसिटी उस शक्कर के कण में है। और इधर आत्मा के एक प्रदेश पर अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु चिपक रहे हैं, वो कर्म बन रहे हैं। हाँ अब इधर देखना, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है, एक प्रदेश में इधर केवल इधर ज्ञान भी है, इधर भी केवल ज्ञान है, इधर भी केवल ज्ञान है, इधर भी केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कितना बड़ा हुआ? अनंत हुआ, अनंत गुना बड़ा है केवल ज्ञान। क्यों अनंत गुना बड़ा है बोलिए सर मेहता जी? केवल ज्ञान अनंत गुना है क्योंकि केवल ज्ञान में जानने वाले ज्ञेय पदार्थ अनंत गुना है। वेरी गुड, बस इनको फर्स्ट प्राइज आया। देखो जगत में जानने योग्य ज्ञेय पदार्थ अनंत अनंत है और इन सबको केवल ज्ञानी जानते हैं, इसलिए ज्ञान भी अनंत अनंत है भाई साहब। ये आप भूलेंगे तो नहीं चलेगा सर मेहता जी, आप बोल रहे हो बरोबर है लेकिन सबको ये होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। मैं आगे आगे चलता जाऊं और फिर जो है पीछे अंधेरा होता जाएगा तो आगे अंधेरा फिर काम नहीं आएगा। के अंदर जो है ना एक एक प्रदेश में ज्ञान अनंत है, एक प्रदेश है इसमें केवल ज्ञान भी है, सब प्रदेशों में केवल ज्ञान है, एक प्रदेश में केवल दर्शन है,
सब प्रदेशों में केवल ज्ञान केवल दर्शन है। भाई साहब ये जो है ना समुन्दर है, थोड़िया जी आपके वहाँ कोलकाता के पास का समुन्दर खारा है कि बम्बई के पास का समुन्दर खारा है? अब क्या फर्क पड़ेगा भाई, समुन्दर को कोलकाता से और बम्बई से क्या लेना देना है, दोनों ही बराबर है। समुन्दर का पानी खारा पानी है, खारा है। तो वहाँ खारा से और यहाँ खारा से कम ज्यादा है क्या? तो ये आत्मा के प्रदेश असंख्य है, इसमें केवल दर्शन है, इसमें केवल दर्शन है, इसमें केवल दर्शन है, इसमें केवल दर्शन है, इसमें केवल ज्ञान है, इसमें केवल ज्ञान है। एक प्रदेश में केवल दर्शन है, केवल दर्शन कितना है? अनंत है। केवल ज्ञान कितना है? अनंत है। एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, ऐसे एक एक प्रदेश में अनंत गुणों का प्रमाण भी अनंत है। समझने में कहीं तकलीफ नहीं आ रही है भाई साहब? बिल्कुल जो है केवली के वचन को समझने की कोशिश करिए आप। नहीं चलो सर, मीना बहन जी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी, इट इज पॉसिबल। आत्मा के असंख्य प्रदेश है और एक एक प्रदेश पे पर अनंत गुणों। कैन यू स्पीक इन योर इंग्लिश लैंग्वेज एज यू लाइक? Okay, the Atma has innumerable pradesh, and every pradesh has infinite gun, and every pradesh which contains infinite knowledge, infinite darshan, and that each pradesh has infinite virtues. Right. Chalo. Ab ye jo swarup aapne dekha, ab aage ka sentence bolta hoon. छोड़िया जी आपको बोलना है, ध्यान से सुन ला। एक प्रदेश में ज्ञान भी अनंत, एक प्रदेश में दर्शन भी अनंत, इसी एक प्रदेश पर कर्म के आवरण भी अनंत है। क्यों अनंत है? अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के आत्मा ने कर्म बांधा है। एक कर्म बना, एक प्रदेश में जो कर्म बना है उसमें अनंत परमाणु है, और वो आत्मा के अनंत गुणों को ढक रहा है, और उसमें सभी प्रकार के कर्म आ चुके बंधे हुए हैं। ये हमको ध्यान देना है बस, बरोबर बात इतनी सी है। अब ये चीजें इतनी डिटेल में महावीर बता रहे हैं, दुनिया का नॉट ए सिंगल रिलीजन, नॉट ए सिंगल डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, व्हाई दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग इन दिस सेंस? चलो भाई वो ना कह रहे हैं, अग्निपुत्र ना कह रहे हैं, तो वेद वेदांतों के अंदर उनके वैदिक जो है हॉली स्क्रिप्चर्स है, व्हाई दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग इट इन ए प्रॉपर वे? क्यों उनको मान निषेध करके ना कहना पड़ रहा है, ये भी तो बताइए आप। इतनी डिटेल में महावीर बात कर रहे हैं, तो इतनी डिटेल में दूसरे कोई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन हो तो ही यह संभव है, नहीं तो नहीं। बिना केवल ज्ञान बिना केवल दर्शन के ये इतना डिटेल निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ जी आगे ध्यान से सुनना। एक बार में आत्मा जो भी आश्रव करेगी कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु एक साथ में अनंत ही देंगे, अनंत ही आएंगे, नॉट लेस देन दैट एंड नॉट मोर देन दैट। असंख्य कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा ग्रहण नहीं करेगी, अनंत ही ग्रहण करेगी। अरे ये बात समझ में? तो जब अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करे और वो आत्मा के एक प्रदेश पर चिपके, ऐसा आत्मा प्रति समय अगर ग्रहण करते जाए और प्रदेशों पर चिपकते जाए एक समय में अनंत ले, तो पूरे दिन भर के अंदर कार्मण वर्गणा के पुत्तल परमाणु आत्मा कितने ग्रहण करेगी, कितने लेगी? अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए तो सिमंदर स्वामी कह रहे हैं, एक आत्मा ने अपने प्रदेशों पर जितने कर्म रखे हैं उन सब कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को बाहर निकाल करके ढेर किया जाए तो हिमालय खड़ा होता है।
क्या समझ में आया मनीषा बहन जी बोली? जी गुरु जी, सिमंदर स्वामी से पूछा जाए तो वो बोलेंगे अगर आत्मा पर लगे हुए कर्म पुद्गलों को बाहर किया जाए तो उनका एक हिमालय पर्वत बन जाए। बोलिए चोड़िया जी, सही ढंग से बोलना पूरा वाक्य सेंटेंस बनाकर। बात तो ये कि भी कार्मन बरगना के पुद्गल परमाणु आत्मा से बाहर कर दिया जाए तो एक हिमालय पर्वत आपने खड़ा हो जाए, इतने पुद्गल परमाणु, इतने इतने कार्मन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा ले ले करके अपने ऊपर चिपका करके इतने कर्म बना चुकी है। आज आज हमारी आत्मा पर कितने जन्मों के कर्म है, कितने भवों के कर्म है, कितने लंबे काल के कर्म है, और होते हुए भी रोज नए बांध रहे, वो भी आ रहा है। आगे का शब्द ध्यान से सुनना मेहता जी, आत्मा ने अभी भी अनंत काल के बाद में भी हाउसफुल का बोर्ड लगाया नहीं है सर। बस 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 ओवर हो गया, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, अब पॉसिबल ही नहीं है कि अब एक भी कर्म आई नहीं, एक कार्बन वर्गना का एक भी एटम नहीं आ सकता है। ऐसा कभी अनंत काल में भी हाउसफुल का बोर्ड नहीं लगाया। आपने यू हैव सीन दैट ऑन द सिनेमा थिएटर आउटसाइड देयर द बोर्ड, यू सी नाउ इट इज हाउसफुल, नो वन कैन कम इनसाइड। जी मार्सा, खाली एक बात पूछने मार्सा कि एक बार एक प्रदेश में कर्म चिपकेंगे कार्बन वर्गना या एक साथ सभी आत्मा प्रदेश में चिपक जाएंगे? अरे भाई जब चिपकेगी तब सब में चिपकेगी, शक्कर दूध में घुलेगी तो नीचे घुलेगी कि ऊपर वाले में भी घुलेगी? अरे भाई दूध आपने लिया ना, ये आपने एक टोप लिया है 2 लीटर का, अब 2 लीटर के अंदर आपने जो शक्कर डाली, अब ये शक्कर जो है खाली नीचे वाले दूध को ही इतने को ही मीठा करेगा ना? ये शक्कर पूरे दूध को मीठा नहीं करेगी। जब आप शक्कर डालने के बाद चम्मच हिलाओगे ना, हिलाते हिलाते इसके कण पिघलते जाएंगे, ये डिजोल्व होते जाएंगे, तो इसके डिजोल्व होने पर इसका गुणधर्म जो है वो दूध के प्रत्येक प्रदेश में फैल करके पूरे दूध को मीठा करेगा। इधर कार्बन वर्गना के प्रदेश पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पर आएंगे और वो आत्मा के ऊपर एक एक लेयर करते जाएंगे सर। अब इसने ये लेयर किया, फिर दूसरी बार आया, फिर ये दूसरा लेयर हुआ, फिर तीसरी बार, फिर ये लेयर हुआ, फिर ये तीसरी बार, चौथी बार आया, फिर आया, फिर आया। अब ये लेयर बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है सर, बनता ही जा रहा है। अब आज सिमंदर स्वामी ये शब्द कह रहे हैं कि इफ यू विल पुट जस्ट टच द टिप ऑफ द नीडल टू योर सोल इन वन प्रदेश, जस्ट टिप ऑफ द नीडल, इफ यू विल टच टू योर सोल इन ए वन प्रदेश, नॉट ए सिंगल प्रदेश विच इज एब्सोल्युटली एम्प्टी विदाउट द कर्म, ओनली देर आर द 8 प्रदेश इन द सेंटर पोर्शन, देर आर द सेंटर फॉर्म ऑफ द 8 प्रदेश, यू सी इतने ही जो 8 प्रदेश हैं, वो जो हैं अभी भी इस प्रकार के खुले हैं जिसमें आत्मा के ये रुचक प्रदेश है बस। अब बाकी के सब प्रदेशों पर अनंत कार्बन वर्गना के परमाणु चिपके हुए, ये शब्द बोलना है आप। हाँ जी बोलिए। हाँ मार्शा, आपने फरमाया कि ये जो 8 रुचक प्रदेश है ये सिर्फ खाली है, इसमें कार्बन वर्गना नहीं चिपकी है, बाकी सारे आत्मा प्रदेश में कार्बन वर्गना चिपकी हुई है। पर लास्ट सेंटेंस सुरेश जी बरोबर बोलिए, देखो चोड़िया जी को पनिशमेंट आ रहा है। नहीं चलो ठीक है, बोलना हो तो बोलिए। तो बात यहाँ पर क्या बताई मैंने आपको, बाकी के समस्त प्रदेशों पर अर्थात असंख्य प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर अनंत कार्मण वर्गना है, इतने अनंत काल से हम चिपक बांधते आ रहे हैं, इतने अनंत काल से बांधते आ रहे हैं, कई जन्मों से बांधते आ रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये कपड़ा है, इधर देखिए आप,
अब इस कपड़े पर मैंने यहाँ पर इंक लगाई, ये 9:10 पर, ये 9:11 पर, ये 12 पर, ये 13 पर, 9:14, 9:15 जितनी बार लगाता हूँ इंक एब्जॉर्ब हो रही है, वो सूख रही है, फिर मैं लगा रहा हूँ फिर आ रही है, फिर लगा रहा हूँ फिर आ रही है, फिर लगा रहा हूँ फिर एब्जॉर्ब हो रही है, पहले की लगाई हुई सूख रही है। दूसरा अभी मैं प्रदेश बदल नहीं रहा हूँ, यही प्रदेश लग रहा हूँ, एक इसी प्रदेश पर लगाओ, ये कॉटन है, इट विल एब्जॉर्ब इट, और धूप के अंदर सूख रही है साहब, सूखते ही फिर दूसरी लगा रहा हूँ, फिर तीसरी लगा रहा हूँ। मैं बोलिए साहब, इतनी इंक मेरी पूरी पेन खाली हो गई, और इंक लगाते लगाते इसके ऊपर जमती गई, इकट्ठा होते गई, कहाँ गई इतनी सभी, ये तो एक ही प्रदेश है, कपड़े का तो प्रदेश एक ही, लेकिन मेरी तो पूरी बॉटल जो इंक पॉट जो है 60 ml का खाली हो गया, सब इस पे आ गया। तो आत्मा भी तो अनंत काल से इतने लंबे भारी कर्म बांधती जा रही है, कर्म बांधती जा रही, इतने कर्म बांधते 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 इतने काल, इतना भव, इतने भव बीत रहे, इतने जन्म बीत रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं वो कर्म, कहाँ रह रहे हैं? जो आत्मा प्रदेशों के साथ कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु बंधेंगे उसी को कर्म संज्ञा देंगे। बनने का तो कार्य क्षेत्र हो गया आत्म प्रदेशों पर, उदय में आकर के यही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के गुणों को ही ढकेंगे, गुणों को ही दबाएंगे, गुणों को विपरीत करेंगे, गुणों को विकृत करेंगे, गुणों को अल्प प्रमाण में ही प्रकट होने देंगे। ये कार्य क्षेत्र कर्म का है, पुद्गल के परमाणु होते हुए, जड़ होते हुए भी ये कर्म और इनका लेयर अनंत वीर्य वाले आत्मा के गुणों को प्रकट होने से रोक दे, दबा दे, ढक दे, विपरीत करे, विकृत करे, आने ही नहीं दे, ये परिस्थिति कर दे। भाई साहब, इतना बड़ा कार्य क्षेत्र इस जड़ की शक्ति का है। आप जड़ 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 करके उसको जो है निकम्मा मत समझना, जड़ बोलता है वो भी जड़ कह रहा है मेरी ताकत देखनी, आ जाओ मैदान। ये कार्बन वर्गाने के जड़ पुद्गल परमाणु इतनी बड़ी ताकत दिखा रहे, और ये अनंत शक्ति वाला आत्मा। हाँ जी, अभी तक मैंने आपको सिर्फ ज्ञान दर्शन की बात की है ना। इधर देखिए, आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत वीर्य है, ये आत्मा के प्रदेश है ना। अब इन प्रदेशों के अंदर ये प्रदेश कितने हो गए, कितने आत्मा के प्रदेश, कितने हैं? असंख्य अनंत। अब इधर देखिए, एक प्रदेश में वीर्य अनंत है, दूसरे प्रदेश में वीर्य अनंत है, तीसरे प्रदेश में वीर्य अनंत है, चौथे प्रदेश में वीर्य अनंत है, एक एक प्रदेश में आत्मा की शक्ति अनंत अनंत गुनी है। तो असंख्य प्रदेशों में अनंत वीर्य है, तो असंख्य मल्टीप्लाई बाय अनंत। आत्मा की शक्ति इतनी है कि एक मिनट में जाके पूरा मेरु पर्वत हिला दे। अरे बात समझ में आपको? बोलिए सुरेश जी, क्या पूछा मैंने? महाराज साहब, आत्मा के गुणों में इतनी, आत्मा के असंख्य प्रदेश में इतनी ताकत है कि एक मिनट में जाके मेरु पर्वतों को हिला सकती है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ चैत्र सुदी 13 की रात्रि को, 14 को नहीं, 13 की ही रात्रि को इंद्र महाराज भगवान महावीर स्वामी छोटे से, इतने छोटे से अभी फ्रेश ताजा जन्मे हुए बच्चे को मेरु पर्वत पर ले गए। अब इतने जल से उनका अभिषेक करना था, तो महावीर स्वामी ने इंद्र की शंका को समझकर अपने राइट पैर के अंगूठे को जमीन पर टच कर, बैठे थे तो इंद्र की गोद में बैठे थे, पैर का अंगूठा टच किया और पूरा मेरु पर्वत हिलने लग गया सब। नहीं तो मेरु पर्वत में अर्थक्वेक नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, लेकिन मेरु पर्वत पर इतना अर्थक्वेक आ गया कि लैंडस्लाइडिंग, जो जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग हो गया कि इतने बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लग गई,
एक बार के लिए तो इंद्र महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि भाई साहब क्या हुआ है, क्या हो गया इतना। अरे अरे, आज के शुभ प्रसंग पर मैं भगवान महावीर को लेकर आया हूँ धरती पर से, मैं यहाँ पर अभिषेक कर रहा हूँ, इतने सब देवी देवता खड़े सब अभिषेक कर रहे, और ये अचानक जो है भूकंप कहाँ से आया, मेरे पर्वत जो कभी हिलता ही नहीं वो कैसे हिलने लग गया, इतना बड़ा लैंडस्लाइडिंग कैसे होने लग गया, ये बड़ी बड़ी शिलाएं और पत्थर के पत्थर गिर रहे हैं, ये क्या हो गया है, ये क्यों लगा भाई साहब, इंद्र को ऐसा क्यों लगा। चलो महावीर कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली बन गए क्या, अभी आज पहले जन्मे हुए दिन की बात है सब, नॉट ऑन सेकेंड डे। तो ये शक्ति कहां से आई है, ये शक्ति कहां से आई है। अच्छा मीना बहन जी बोलिए। आत्मा अनंत वीर्य, हाँ आत्मा की अनंत वीर्य की शक्ति से, हाँ आत्मा की जो अनंत वीर्य उसके एक एक प्रदेश में है। तो आत्मा छोटी है कि उस समय जन्मे हुए दिन शरीर छोटा है, अब बोलते क्यों नहीं, बोलिए पहले ख्याल आना चाहिए, शरीर छोटा है कि आत्मा छोटी बड़ी है। शरीर छोटा है, हाँ आत्मा कोई छोटी नहीं होती, आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, आत्मा को नाम दिया अगुरु लघु, आत्मा के गुणों में उसके गुण है। ये अभी आप पूछेंगे साहब एक एक गुण अनंत अनंत गुण कहाँ से, ये सारे गुण ही है, अगुरुपना भी गुण है, अलघुपना भी गुण है, अनंत वीर्य भी गुण है, इतने सारे गुण जो आत्मा के अंदर है वो सारे गुण जो है, अब वो आत्मा छोटी हो या बड़ी हो भाई साहब, शरीर छोटा बड़ा है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आज ताजे जन्मे हुए हैं इसलिए शरीर इतना छोटा सा लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो महावीर के अंदर जन्म के पहले दिन इतनी शक्ति है कि वो अपने पैर का अंगूठा टच करके भी पूरा मेरु पर्वत 1,00,000 वजन का हिला सकते हैं, इतना मेरु पर्वत हिल जाए। अब महावीर जब 42 साल के हो गए और अनंत केवल ज्ञान हो गया, जब उनके आत्म प्रदेशों पर से अंतराय कर्म सर्वथा संपूर्ण क्षय हो गया और प्रत्येक प्रदेश में एक एक गुण में अनंत वीर्य गुण भी अनंत प्रमाण में प्रकट हो गया, अब शक्ति कितने गुनी बढ़ी। आप मेरे शब्दों को पकड़ के समझने की कोशिश करिए, ये मैं आपको यहाँ पर महावीर की लाइफ के बारे में बता रहा हूं, अब आप इस पर ध्यान दीजिए साहब, यहाँ तक जो है ये महावीर की लाइफ चल रही है, ये 30 वर्ष तक महावीर घर में है, ये यहाँ 42 की एज पर आए, तो यहाँ पर महावीर की आत्मा पर ये आवरणीय कर्म है और ये अनंत वीर्य गुण को ढक रहे हैं, ये अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म वाले होते हुए भी महावीर ने जन्म के पहले दिन अंगूठे का स्पर्श किया और मेरु पर्वत चलायमान हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ 42 साल की उम्र में तो महावीर का अंतराय कर्म बिल्कुल सर्वथा क्षय होकर के अनंत वीर्य गुण प्रकट हो चुका है। अब एक एक प्रदेश के अंदर प्रत्येक प्रदेश में असंख्य प्रदेशों में सबके अंदर एक एक के अंदर अनंत वीर्य गुण प्रकट हो चुका है। तो जन्म के पहले दिन, ये जन्म का पहला दिन है और आज 42 वर्ष के बाद अब उनकी शक्ति कितनी बढ़ी। पहले तो अंतराय कर्म चल रहा था, अब उनकी शक्ति कितनी बढ़ी, अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है साहब। अब 72 वर्ष की उम्र में ये महावीर सर्वथा अशरीरी अकर्मी होकर मोक्ष में चले गए,
अब यहाँ जो अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया क्षाय के बाद से दोबारा फिर वापिस अंतराय कर्म बंधने वाला नहीं है। और इसी कक्षा में महावीर जब मोक्ष में चले गए हैं यहाँ पर, तो वो जब मोक्ष में चले गए तो इस स्थिति के अंदर ये कक्षा है यहाँ की। अब आज वो कहाँ है, अब उनके ये प्रदेश हैं और इन प्रदेशों के अंदर वहां पर महावीर की एक एक प्रदेश में अनंत वीर्य की शक्ति प्रकट है, पूर्ण रूप में प्रकट है, संपूर्ण प्रकट है। हम क्या है बार बार केवल ज्ञान केवल दर्शन, तो आप लोग भी सुनकर इतने ही दो शब्दों तक सीमित रह जाते हो, जब केवल ज्ञान भी सर्व प्रदेशों में फैलता है, केवल दर्शन भी सर्व प्रदेशों में प्रकट होता है, तो अनंत वीर्य भी साइमल्टेनियसली साथ में ही सर्व प्रदेशों में फैलकर प्रकट होता है। भाई साहब फिर कहाँ ना है, बोलिए आप, ना है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। तो ये अनंत शक्ति वहां पर है, इतनी अनंत शक्ति को ढकने वाले ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये आत्मा पर यात्मा के प्रदेशों पर छा जाते हैं और वो अंतराय कर्म बन जाता है। ऐसा ये इस प्रदेश में अब ये सब जगह पर ये अंतराय कर्म हमारी अनंत शक्ति को ढक रहा है। अब इस समय आत्मा में शक्ति कितनी है, कर्म कितना है, बोलिए साहब किसको बोलना है। हाँ जी आचलिया जी, शब्द बराबर सही बोल रहा, बोलिए। इस समय आत्मा में तो शक्ति अनंत है, लेकिन कार्मण वर्गना के आवरण से शक्ति ढकी हुई है। सही ढंग से शब्द का प्रयोग करना है, दोनों तरफ अनंत शब्द कैसे लाएंगे, अंशा बेन बोलो। नहीं चलो विभा बेन बोलिए। आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु के अनंत विभाग की ही शक्ति है। बहुत अच्छा है, चलो आइए। एक एक आधा आया, डब्बी का ढक्कन आएगा, डब्बी पूरी नहीं आएगी। आत्मा की शक्ति आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में अनंत गुनी है और असंख्य प्रदेशों में मिलाकर आत्मा शक्ति अनंत गुनी है, अनंत अनंत गुनी है। लेकिन कार्मण वर्गना ने आत्मा की अनंत शक्ति को ढक दिया, उसके कारण अनंत में भाग का ही आत्मा की वीर्य गुण जो है प्रकट है। बस मैं बोलूं लंबे शब्द हो जाते हैं, घुमा के बोलना पड़ता है, लेकिन वो शब्द प्रॉपर आने चाहिए। अब इतना लंबा अर्थ बैठना चाहिए ना, ये आपको ख्याल आना चाहिए। अब ये भाई साहब मैं क्या कहूँ मेहता जी, ना तो वहां पर दुनिया का एक धर्म एक दर्शन, ना तो इसमें की एक बात बता रहे, ना आत्मा की बात, ना आत्मा द्रव्य की बात, ना आत्मा के प्रदेशों की बात, ना पुद्गल द्रव्य में कार्मण वर्गना के परमाणुओं की बात, न कार्मण वर्गना जो है आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने की बात, वो चिपक करके आत्मा के गुणों को शक्तियों को ढक कर दबा दे वो बात, सारी बात में से सब उड़ा दो तो भाई साहब संसार की व्यवस्था कैसे चले। कर्म ही नहीं है। अरे भाई नहीं, ना कहना तो एक शब्द है, ना तो आप जानते हो जो नेगेटिव मेंटालिटी वाले होते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब उनके लिए तो एक बार ना हो गया तो वो अपने शब्द को पकड़ के ही रखेंगे फिर तो। ना कह देना बड़ी बात नहीं है साहब। अब क्यों ना कहना है, कैसे ना कहना है, ना कहने के लिए अग्निभूति एक ही लॉजिक दे रहा है कि भाई विष्णु 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 सर्वत्र विष्णु, जले विष्णु सले विष्णु, विष्णु सर्वत्र विष्णु विष्णु,
वो तो दूसरी बात ही नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना बताइए आप, ऐसे नहीं चलता ऐसा। इधर महावीर इतनी डिटेल के अंदर इतनी स्पष्टता कर रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं कह रहे हैं? बहुत बड़ी बात है साहब, ऐसे नहीं चलता है। डिस्कशन के अंदर दोनों तरफ साइड में लॉजिक बरोबर होना चाहिए, दोनों तरफ लॉजिक के अंदर प्रश्न बरोबर होने चाहिए तो बनेगा। क्या हुआ आचार्य जी, टाइम हो गया, बोलिए सब पूछिए। तो आत्मा अरूपी है और तो मतलब जो कार्मन वर्गना के पुद्गल परमाणु उस पर चिपके हुए है उसके आधार पर भगवान ने असंख्य प्रदेश बताए। तो आत्मा मोक्ष में है तो उसका वहां तो एक भी कार्मन वर्गना के परमाणु नहीं है, तो वहां भी तो असंख्य प्रदेश बताए, उसका क्या? मोक्ष में गई ना आत्मा, तो वहां तो एक भी कार्मन वर्गना का परमाणु है ही नहीं, एक भी कर्म नहीं है, तो वहां भी आत्मा के असंख्य प्रदेश बताए। मोक्ष में जाने से प्रदेशों की संख्या बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। अनंता अनंत काल में भी आत्मा के प्रदेशों की संख्या में एक की वृद्धि कभी होती ही नहीं है और एक की हानि भी कभी होती ही नहीं है। आचार्य जी पहले ये शब्द बोलिया, आत्मा के असंख्य प्रदेश मोक्ष में होकर भी एक भी प्रदेश कभी खंडित नहीं होता है। आपने क्यों मेरे शब्द छोड़ दिया है? फर्स्ट टाइम आपको भी पनिशमेंट आएगा, ऐसे नहीं चलते। चलिए साहब, अनंत नहीं है मेहता जी, आत्मा के प्रदेश में असंख्य ही है। अब आज आचार्य जी पहले ध्यान दो, आत्मा मोक्ष में हो या संसार में हो या निगोद में हो या मनुष्य में हो, वेरेवर व्हाट एवर कहीं पर भी हो, एक भी प्रदेश अनंता अनंत काल में घटकर कम नहीं होता है और अनंता अनंत काल में एक भी प्रदेश बढ़कर ज्यादा नहीं होते। इसीलिए तो हमने अखंड शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा के प्रदेशों की संख्या अखंड रूप से इतनी है। अब आत्मा के प्रदेश जो निगोद में है तो भी, मनुष्य में है तो भी, और मोक्ष में जाए तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो महावीर जब केवली हो करके आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्य ही बता रहे हैं तो उनके केवल दर्शन में अरूपी है तो अरूपी दिखेगा। कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु रूपी है और रूपी आत्मा अरूपी आत्मा पर लग जाते हैं, चिपक करके बंध जाते हैं, तो आत्मा कोई अरूपी में से रूपी नहीं बन जाती है। प्रत्येक जीवों की आत्मा अनंता अनंत काल से रूपी कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणुओं से ही दबी हुई ढकी हुई है। अनंता अनंत काल से इन रूपी पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के साथ संयोग संबंध बना हुआ है, लेकिन फिर भी अनंता अनंत काल से आत्मा आज दिन तक भी रूपी बनी ही नहीं है। नहीं बराबर है, बोलिए साहब। चलिए आगे, चुड़िया जी पूछिए। महाराज साहब, भगवान महावीर स्वामी ने जो मतलब मेरु पर्वत को जो हिलाया उसमें भगवान महावीर स्वामी के तो सभी कर्म थे, भारी मात्रा में थे, तो भगवान महावीर स्वामी के अनंत वीर्य शक्ति कैसे प्रकट हुई? अरे जितनी शक्ति प्रकट हुई उतने से हिल गया मेरु पर्वत तो, भले ही कर्म के आवरण से ढकी हुई थी ना, फिर भी जितनी प्रकट थी उतने से ही मेरु पर्वत हिल गया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 42 की एज में आकर जब कर्म संपूर्ण क्षय जाए और अनंत वीर्य प्रकट हो जाए तो फिर वो क्या कर सकते हैं? तो मासा जितने भी केवली हैं, अभी जो केवल ज्ञानी हैं, जो भी हैं सर्वज्ञ हैं, वो चाहे तो मेरु पर्वत को मिनटों में हिला सकते हैं। हिला सकते हैं, लेकिन फिर भी अनंत काल में कभी किसी ने नहीं हिलाया। वो जन्म के समय में इंद्र महाराज को डाउट हो गया था, इसलिए उनको जवाब देना था। जवाब, हाँ बात इतनी सी। बोलिए मिन्ना बहन जी।
So, Marasai, so Ruchak Pradesh, is that the one after? Ruchak in the sense that jo hai, center portion Pradesh jo hai, that is the noun specially for that, it is called Ruchak Pradesh. There are Asankhya, because of the sun? Sorry. There are the Asankhya Pradesh, but which is in the center, all the eight, they are the particular noun for that. It is only Ruchaka Pradesha, steady and stable Pradesha, which never bounds by the any type of karma. Okay. So it's not that is not because of the Samyak Darshan. It is every soul has that. Okay. Not Samyak Darshan. Thank you. हाँ जी बोलिए माता जी. साहिब जी मेरे को भी इसी बारे में पूछना था कि जो आपने कहा कि आठ रुचक प्रदेश हैं वो उनपे कभी भी कर्म नहीं आते, इसी कारण से जब निगोद में भी जीव है होता है तो कहते हैं कि उसका अनंतवा भाग ज्ञान का खुला होता है, वो कभी भी आवृत, तो ये इसी कारण से इसी रुचक प्रदेश में खुला हुआ है. अगर रुचक प्रदेश हो भी कार्मन वर्गना के पुद्गल परमाणु से दब जाए ढक जाए तो फिर जीव अजीव बन जाएगा, आत्मा फिर पुद्गल जैसी बन जाएगी साथ. लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं, भले ही निगोद में रहे तो भी उसके आठों रुचक प्रदेश तो बिल्कुल खुले ही रहते हैं, उसमें ज्ञान दर्शन प्रकट रहता है. जो रुचक प्रदेश है, व्हाट इज द रीजन दैट दे डोंट गेट कवर्ड विद द कर्मास, इज देयर सम रीजन बिहाइंड इट? दैट इज ओनली द डेस्टिनी. डेस्टिनी राइट. हां जी उमेश जी बोलिए. गुरुदेव, जो रोचक प्रदेश है जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, यही होते हैं हमारा सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात इधर उधर मत बैठा, तो थोड़ा हमारे साथ बता देंगे जी. नहीं, ये देखो ना, इधर देखना है आपको, ये असंख्य प्रदेश है, इसके सेंटर पॉइंट के प्रदेश केंद्र है. मतलब मुझे किसी ने बताया था नाभि के पास होते हैं जी. इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ सर. ठीक है महाराज. नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अरियणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सर्व साधुनम, एषु पंच नमुकारु सर्व पाप प्रणाशनम, मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलम्. मंगलम् भगवान् वीरो, मंगलम् गौतम प्रभु, मंगलम् सूलि भद्राद्या, जय कदर्मोऽस्तु मंगलम्. चत्तारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो नमो मंगलम्. चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो तमो लोगोत्तम. चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि. सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति शासनं. धर्मलाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद.